तो लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में राजनीति का एक नया और बेहद अलग दांव देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी इस तरह के राजनीतिक दांव 10 साल पहले से ही खेलती आ रही है, लेकिन यह कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए बिल्कुल नया है। आपने देखा होगा कि राहुल को अमेठी से हराने के लिए बीजेपी ने हर तरफ से जी तोड़ मेहनत की थी। अमेठी से बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहीं पर थी और राहुल को चुनाव हरा कर विपक्ष की ताकत को बीजेपी ने कमजोर कर दिया था, और ऐसा ही अब सपा और कांग्रेस भी करने जा रही है। उनका मकसद अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव हराने का है। अगर मोदी चुनाव में कमजोर पड़ते हैं तो इसका असर बीजेपी की पूरी राजनीति पर कैसे पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। लिहाजा वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए प्रियंका गांधी, डिंपल यादव ने रोड शो किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी रैली की। इतना ही नहीं, मोदी को हराने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए पीएल पूनिया समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने बनारस में ही डेरा डाला हुआ है। सबकी कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार बनारस में घेरा जाए, लेकिन क्या यह हो सकता है, आइए इस पर बात करेंगे। तो इस कोशिश के बीच बनारस में क्या समीकरण बन रहे हैं? बीजेपी के नेता और कई मंत्री, कई बड़े चेहरे लगातार बनारस में डेरा डाले हुए हैं, जिससे विपक्ष के वोट बैंक पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सारे समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ अहम बातें बताते हैं। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय टक्कर दे रहे हैं। वाराणसी में ऐसा माना जा रहा है कि अजय रॉय बीजेपी की रणनीति को करीब से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी से की हुई है। हालांकि वो बाद में सपा में आए, फिर उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए, और अब वो लगातार 2-3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और उनके साथ टैग जुड़ा हुआ है, वो है चुनाव हारने का। अजय रॉय 2009 में लगातार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत तो दूर, वह लगातार दूसरे नंबर पर नहीं आए, वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। कभी केजरीवाल के बाद रहे और कभी सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के बाद रहे। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वोट केवल 75,614 मिले, वो लगातार चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में फिर से चुनाव लड़ा, इस चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया और 1,52,000 से अधिक वोट उन्हें मिले। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या यह ग्राफ बढ़ता रहेगा या इसमें कुछ इजाफा होगा? क्या बनारस के करीब 4 लाख मुसलमान वोटर सपा कांग्रेस को एकजुट होकर वोट करेंगे? आइए आपको बताते हैं बनारस का जातिगत समीकरण उस सीट का। तो बनारस में करीब 19 लाख से अधिक वोटर हैं। इस सीट की आबादी में सबसे अधिक जो आबादी है वो हिंदुओं की है, 14,71,000 के करीब हिंदू वोट हैं और 4 लाख के करीब मुसलमान वोट हैं। 1 लाख के करीब अन्य धर्म के लोग भी हैं। और अगर हम हिंदू वोट बैंक की बात करें तो इसमें 2 लाख करीब वोटर कुर्मी समाज के हैं, 2 लाख के आसपास वैश्य समाज के वोट भी हैं, 1 लाख से अधिक भूमिहार हैं और 3 लाख के करीब ब्राह्मण हैं और 3 लाख के करीब ओबीसी हैं। दलित मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है इस सीट पर, जिन पर सबकी नजरें बनी हुई है। सब कोशिश कर रहे हैं, यानी भाजपा और विपक्ष दोनों कोशिश कर रहा है कि इस बार इन जो हिंदू वोट है उन्हें भी साधा जाए। बीजेपी यहां कोशिश कर रही है कि इस बार जीत का अंतर बढ़ाया जाए। बीजेपी ने दावा किया है कि वो 10 लाख करीब वोट से जीतने का यहां पर दावा कर रही है बीजेपी लगातार, इसलिए वो मुस्लिम वोटों को साधने में लगी हुई है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन में भी ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली माधवी लता ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग की, और वहां उन्होंने मुस्लिम वोट को अपनी और इन बीजेपी के लिए जोड़ने के लिए उन्हें लगातार वहां पर प्रयास उन्हें किया है। अब इस बीच आपको बताते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी बीजेपी के सामने दो कौन सी बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है विपक्ष वोटों का एकजुट होना। पहला तो इस बार बताया जा रहा है कि यादव मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है इस सीट पर। कहा जा रहा है कि एक साथ सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेंगे। भूमिहार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, चौरसिया, कुर्मी, पटेल और बनिया का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी इस बार छिटकता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये वोट भी करीब करीब जा सकता है कांग्रेस के पास, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार पीएम मोदी के लिए वाराणसी से चुनाव जीतने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हार जीत का अंतर कम हो सकता है। इस सीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर बताएं, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जीतते हैं तो वो कितने वोटों से जीत सकते हैं, ये भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। लगातार देखते रहिए इंडिया.com।